डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं, उनका मोटो है फैमिली फर्स्ट। मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये लोग कहने लगे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। मतलब जिनको परिवार है उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? क्या जिनको परिवार है उनको सत्ता परिवार के लोगों के लिए हड़प करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? मेरा देश यही मेरा परिवार है। 140 करोड़ भारतवासी यही मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। साथियों, ये आप डीएमके वालों को भली भांति जानते हैं और कांग्रेस को भी आप अच्छी तरह जानते हो। ये दोनों लोग है कैसे और उनके जैसे और भी है। ये डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं, उनका मोटो है फैमिली फर्स्ट और मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। इसलिए अब इंडी गठबंधन के लोगों ने मुझे गाली देने का नया फॉर्मूला निकाला है। ये लोग कहने लगे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। मतलब जिनको परिवार है उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? क्या जिनको परिवार है उनको सत्ता परिवार के लोगों के लिए हड़प करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बार बार मेरे परिवार को गाली देने का उनको शौक लग गया है। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। ये मेरा देश यही मेरा परिवार है। 140 करोड़ भारतवासी यही मेरा परिवार है। देश के युवा मेरा परिवार है और इसलिए मैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। देश की बहनें बेटियां ये मेरा परिवार है, इसलिए मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देने के लिए काम कर रहा हूं। देश के किसान, देश के गरीब, ये सब मेरे परिवार है और इसलिए मैं उन्हें एम्पावर करने के लिए खुद को खपा रहा हूं। और मेरे परिवारजनों, जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत मेरा परिवार। मेरा भारत मेरा परिवार। इसलिए आज पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। मैं हूं
नान दान मोदी एन कुरुवम, नान दान नान दान नान दान नान दान। यही यही मेरा परिवार है। साथियों, परिवारवाद का एक स्वभाव है, ये परिवारवादी जो पार्टियां होती है ना, उनको परिश्रम से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं होता है। वो मेहनत मेहनत करना अपनी जिम्मेवारी मानते ही नहीं है। इसलिए परिवारवाद अपने साथ अहंकार भी लेकर आता है, और जब कोई परिवारवादी सरकार में किसी अहम पद पर आ जाता है तो उसे लगता है कि देश और देश की जनता उसकी गुलाम है, वो अपने पद की गरिमा तक भूल जाता है। आज हमने ये भी देखा है कि कैसे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके परिवार के एक मंत्री से सख्त सवाल किए हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का घोर अपमान करना भी परिवारवादियों की एक निशानी है, पहचान है, आदत है। और मुझे अफसोस है कि जिन्हें अपने अहंकार में जनता की भावनाओं तक की परवाह नहीं है, वो तमिलनाडु सरकार में प्रमुख पद पर बने बैठे हैं।